खांजुर में कुछ दिन पहले बिना जानकारी के एक अलग समुदाय के शव को गांव में दफनाने को लेकर गांव वालों ने शासन का विरोध किया था। वहीं गांव वालों ने शव को गांव से हटाकर दूसरी जगह दफनाने की मांग की थी, जिसके चलते शासन ने गांव वालों की कुछ मांग मान ली। वहीं कुछ दिन बाद शासन के दिए गए आश्वासन के बाद पालन नहीं करने पर नाराज ग्रामीणों ने सर्व समाज के साथ एसडीएम कार्यालय का घेराव किया, साथ ही जमकर शासन का विरोध कर प्रदर्शन किया है। इस दौरान सरकार पर धर्म परिवर्तन का आरोप भी लगाया गया है, जिसमें मुख्य रूप से भाजपा के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री के साथ सर्व समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सुधारने की प्रक्रिया तो शासन प्रशासन की है, किंतु शासन प्रशासन ही उस गलत प्रक्रिया में जा रही है। एक आदिवासी जिनको कन्वर्टेड बोला जा रहा है, जो स्वर्गीय मतलब माचपली के जो दिलीप पद्दर जी हैं, वो अभी हम एसडीएम साहब से बात कर रहे थे, तहसीलदार साहब से बात कर रहे थे कि क्या वो क्रिश्चियन था, कन्वर्टेड था। उनका कहना लोग कहते हैं कन्वर्टेड है, तो अधिकारी को तो कम से कम इसको स्पष्ट तरीके से कानूनी प्रक्रिया के तहत करना चाहिए। वो जो है वहाँ के आदिवासी को यहाँ पे कब्रिस्तान में ला के दफना दिए, जबकि नियम के विरुद्ध है। जबकि पांचवी अनुसूची क्षेत्र है बस्तर संभाग, और वन अधिकार कानून है, पेशा कानून जो छत्तीसगढ़ सरकार बनाई है, क्योंकि आदिवासियों की रक्षा के लिए। आदिवासी समाज और पूरे सर्व समाज के लोग यहाँ पे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करके यहाँ के एडीएम महोदय से हम जवाब मांग रहे हैं। एडीएम महोदय बात को घुमा रहे हैं, उनका कहना है उस जगह को निरस्त करेंगे तो दूसरा जगह हम ईसाइयों से बात करेंगे। हम वही पूछ रहे हैं कि सरकार कहती है कि धर्मांतरित ईसाई नहीं है, अगर आपको रिकॉर्ड में धर्मांतरित ईसाई नहीं है, इसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आप भी उनको यह बुलाया गया था जमात के तहत, सब बाकी से समर्थन करें। गलत जो हुआ है, चूँकि 5-6 तारीख को यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन भी हुआ था, तब 15 तारीख तक का समय दिया गया था, अल्टीमेटम दिया गया था कि गलत ढंग से जो यहाँ पर कब्रिस्तान आवंटित किया गया था, वो गलत ढंग से बिना प्रक्रिया को पालन नहीं करके पालन उसका आवंटन हुआ था, उसको निरस्त करने की बात। उसमें माचपल्ली के जिस व्यक्ति की डेथ हुई थी उसको चिन्हांकित कब्रिस्तान पखांजुर में प्रशासन द्वारा दफन कराया गया है, उस लाश को दफन हो गया है, उस बारे में तो ज़्यादा विशेष चर्चा नहीं हुई है। इन लोगों का मुख्य मांग ये था कि उस जगह पे दूसरे डेड बॉडी को दफन न किया जाए, और वहाँ पे मृतक का जहाँ पे दफनाया गया है कोई धार्मिक निशान वगैरह न बनाया जाए। इस दोनों बिंदु पे हमने सहमति दे दिया है कि आगे से ये दोनों बिंदु पे प्रशासन सहमत है, एग्री है, ऐसा नहीं होगा। और तीसरा प्रमुख मांग इनका ये था कि पखांजुर स्थित भूमि के उस खसरा नंबर की कॉलम 12 में मसीही कब्रिस्तान के लिए आरक्षित लिखा गया है, उसको जो है हटाया जाए। तो बातचीत में हमने बताया है कि यह कानूनी प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया के तहत ही किसी प्रकार के लिखावट में संशोधन या हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इससे जो समाज के पदाधिकारी हैं, जो